पापा कल मेरे एक बड़े जोनी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एक्साइटेड और नर्वस दोनों। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने कुछ अपने बारे में सोचा है या नहीं? अपने बारे में क्या? मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा। पापा आप ये क्या करते रहते हो? आपको पता है मेरा शादी का कोई मन नहीं है। अभी काम अच्छा तो चल रहा है मेरा, और वैसे भी शादी करके चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपने दूसरी शादी इसलिए नहीं की ना ताकि मेरी अपब्रिंगिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। हमेशा मुझे अकेले पाला, मम्मी पापा का प्यार दोनों का दिया, तो अब मेरी जिम्मेदारी आई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, तो मैं क्या शादी करके बाहर चले जाऊँ? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो सर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना? लेकिन बेटा मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सैक्रिफाइस करें। और मुझे क्या हुआ है, मैं अभी इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ, 20-25 साल आराम से जी सकता हूँ। बस हाँ पापा, इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होने वाला। मेडिसिन लेकर आ रही, वो खा लीजिएगा चुपचाप। तू बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, एकदम जिद्दी। हाय आदित्य, व्हाट्स अप? तुम ऑफिस आ रही हो ना आज? मैं ऑफिस क्यों नहीं आऊंगी? नहीं नहीं, आई मीन मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। ओके, कंफर्म कर रहे थे? ऑफिस में क्या सरप्राइज पार्टी होने वाली है मेरे लिए? जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है ऑफिस में। मुझे इंक्रीमेंट मिले या प्रमोशन मिले, बॉस इतना तो पसंद करता भी नहीं है मुझे। तुम बताओ ना, तुम आ रही हो ना? एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, ऑफिस के बाद कॉफी पर चलोगी? तुम्हें क्या हो गया, मेरे साथ कॉफी पीनी है तुम्हें? ओके बाय, मिलते हैं फिर। ओके, इसे क्या हो गया आज? रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट यार, आउटडोर सिटिंग का मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, आखिर यही तो करता आ रहा हूँ मैं। तुम्हारे फेवरेट कलर से लेकर तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन तक, तुम्हारा मूड किस चीज से ठीक होता है और किस चीज से ऑफ होता है, तुम्हारा फेवरेट फ्लावर्स ये पता है मुझे, सब पता है। अरे यार बस I'm getting embarrassed, not in a negative sense though, but मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। देखो आई डोंट नो हाउ वुड यू रिएक्ट ऑन दिस, बट मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। आई रियली लाइक यू माया, आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? I'm sorry Aditya, I can't do this. But kyun? I need to go Aditya, I'm really sorry. Did I say something wrong Maya? No, you said nothing wrong, but I cannot do that, I'm sorry. अरे आ गए बेटा। हेलो पापा, हाउ इज योर हेल्थ? अरे मुझे क्या हुआ है, एकदम तंदुरुस्त हूँ। तू बता, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? वो मेरा कलीग है ना आदित्य, उसने मुझे प्रपोज कर दिया आज। मैं ना वहां से उठ के आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भाई तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, हाँ? तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो? ऐसी बात नहीं है पापा, पर उसने डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उस टाइम पे क्या करती रिएक्ट, और मैं ना उठ के भाग के आ गई। भाई ये तो आज ना मेरे दिल की बात सुनी भगवान ने। आज सुबह ही तेरी शादी की बात कर रहा था और आज ही तुझे प्रपोजल आ गया। लगता है ऊपर आला मुझसे बहुत खुश है। पापा ये मजाक का टाइम नहीं है यार, आई एम नॉट जोकिंग। बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुझे कोई और पसंद है तो वो बता दे। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, पर आपको पता है मुझे शादी का कोई मूड नहीं है मेरा, बट उसकी वजह से ना ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बेटा मैं मानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है,
लेकिन कौन सा बाप ये चाहेगा कि उसकी बेटी उसकी वजह से घर ना बसाए। इससे अच्छा भगवान मुझे आज ही उठा ले, मेरी वजह से हो रहा है ना ये सब। ये क्या बकवास करते हो आप? आपको रियलाइज भी होता है मजाक मजाक में क्या बोल देते हो आप? आप मुझ पे कोई बोझ नहीं हो पापा, इनफैक्ट आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो मैं लाइफ टाइम निभाना चाहती हूँ। आपकी वजह से मेरी एग्जिस्टेंस है पापा। आइंदा ऐसा कुछ बोला ना आपने तो देख लेना मैं घर वापस नहीं आऊंगी, छोड़ के चले जाऊंगी मैं। अच्छा अच्छा आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मेरे कहने पे एक बार उस लड़के से बात तो करके दे पापा। और मेरा ख्याल तो तू शादी के बाद भी तो रख सकती है। चलो मैं ट्राई करके देखूंगी, पर अभी ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं फ्रेश हो जाती हूं। ओके तू फ्रेश हो, तब तक मैं चाय बनाता हूँ। ठीक है पापा, थैंक यू। I'm sorry, Maya. I know I've been stupid. मुझे ऐसे शादी का नहीं बोलना चाहिए था। No, no, it's okay. कल ऑफिस का ऑफ है, हम मिल सकते हैं सेम प्लेस? Yes, of course. Okay, कल मिलते हैं। I'm sorry for yesterday. No, that's okay. यार आदित्य ऐसा नहीं है दैट आई डोंट लाइक यू, यू आर अ नाइस गाय, आई डू लाइक यू, बट मैं शादी के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। इन फैक्ट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। मेरे पापा ने मुझे अकेले पाला है और मैं शादी करके उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आई नो दैट कि वो अकेले हो जाएंगे, ही विल नेवर से इट, बट आई नो दैट्स। आई रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड योर डिसीजन। मैं समझता हूँ, मुझे पता है ये बात कि तुम्हारी फैमिली में से तुम्हारे डैडी हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, और आई विल बी द सन इन लॉ टू योर फैमिली ऑल्सो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। पर मुझे ये भी लगता है कि उनको सन इन लॉ की ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्टनर की भी ज़रूरत है। तुम्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर मिस आउट कर दिया तुम्हारे चक्कर में? What are you saying? सारा यूथ तो उन्होंने मुझे बड़ा करने में लगा दिया, बट आई डोंट थिंक सो इस एज में ही विल बी इंटरेस्टेड। अरे तुम क्यों अज्यूम कर रही हो? क्या पता लाइक ही नीड्स इट, लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। उन्होंने इतना कुछ तुम्हारे चक्कर में मिस आउट कर दिया है, सो इफ वी गिव देम अ पार्टनर नाउ ही माइट फील बेटर। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं यार। यस बट इस उम्र में हम लड़की कैसे ढूंढ पाएंगे उनके लिए? अरे कितनी सिंपल सी बात है, किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे हम उनकी प्रोफाइल बना देंगे और जिन्हें भी अंकल पसंद होंगे उनके साथ मैच कर लेंगे। आर यू सीरियस? यस इट्स वेरी सिंपल, बट एक बार अंकल से तो पूछ लो। मैं मान गई तो पापा भी मान जाएंगे, मना लूंगी इनका। तुम मैम पिक्चर्स भेज दो। ठीक है, पिक्चर्स आर रिक्वायर्ड राइट? या सेंड करती। हाँ प्रोफाइल तो बन गया, अब अंकल के साथ जिसका भी मैच होएगा फिर उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। या लेट्स गो। या हाँ आया। हेलो पापा, पापा पापा चलो यहाँ बैठो। अरे मुझे ना आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे ठीक है, लेकिन क्या बात क्या है, आज तो इतनी एक्साइटेड क्यों है? है एक स्पेशल बात। हाँ लगता है आदित्य से शादी के लिए हाँ कर दी तूने। शादी के लिए कर लूंगी पर एक कंडीशन पर। कंडीशन? अब कौन सी कंडीशन दे दी उसे? उसे नहीं आपको। मुझे? हाँ मुझे क्या? उससे ना मैं शादी एक ही कंडीशन पर करूंगी, अगर आप शादी करने के लिए हाँ करते हो आपकी शादी होगी। तू पागल हो गई है? अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? गलत क्या बोल रही हो पापा,
आपकी शादी हो गई तो आई विल बी हैप्पी ना। पापा आपने पूरी लाइफ अकेले काटी मुझे बड़ा करने में, अब टाइम है तो। बेटा मेरी शादी? अरे लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, हाँ कि बेटे की उम्र शादी करने की है और खुद शादी करने चला है। पापा आपको लोगों से क्या लेना है, आपको लोगों से मतलब है मुझसे, और वैसे भी आप कब से चिंता करने लग गए कि लोग क्या सोचेंगे। आपको याद है ना मम्मी से किस कंडीशन में शादी की थी आपने? बेटा तब बात कुछ और थी, अरे तब मैं जवान होता था बेटा। तो फिर क्या हो गया पापा, आपने आपने पूरा यूथ मुझे बड़ा करने में कर लिया। अब देखो पापा अगर मेरी शादी होती है तो अब मैं तभी शादी कर पाऊंगी, इतनी टेंशन भी तभी रह पाऊंगी। अगर अगर आपकी भी शादी होती है आप, मुझे अच्छा लगेगा कि आपका भी पार्टनर होगा पापा। बेटा तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, अरे मेरी उम्र तो देखो, अब इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा। पापा उसकी टेंशन आप मत लो, रुको आदित्य की कॉल आ गई। हेलो सच में? ठीक है जल्दी भेजो। लो पापा आपने लड़की की बात की और लड़की की फोटोज भी आने वाली है। ये सब क्या चल क्या रहा है तुम दोनों में? आप रुके ना पापा। अरे बेटा मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। वाह पापा कितनी सुंदर है आंटी, एक बार फोटोज तो देखो, फोटोज देखो तो पापा, सुंदर है ना? हाँ ठीक है पापा। लेकिन बेटा मेरी बात समझ, जल्दी हम मीटिंग को करने वाले हैं ठीक है ना? बेटा मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। पापा प्लीज काम डाउन एंड गेट रेडी, हम जल्दी मिलने वाले हैं इससे। ओके रेडी पापा? अरे बस बस हो रहा हूँ। आज मैं आपको रेडी करवाती हूँ। अरे प्लीज वाह पापा आप तो एकदम हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू बेटा चले। हाँ चलो बच्चों ने जिद की तब आपसे मिलने आ गए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बच्चे बड़े हो गए हैं और जी। तो लीजिए चाय पीजिए ना आप लीजिए प्लीज़।